आंखों में हजारों सपने सजाए और दिल में जुनून व चेहरे पर मासूमियत लिए हुए सुशांत राजपूत और अंकिता लोखंडे की लव स्टोरी जब भी कही और सुनी जाएगी, सुनने वालों की आंखें आंसुओं को रोक ना पाएंगी। इनके खूबसूरत रिश्ते का इतना दर्दनाक अंत क्यों हुआ? जो अंकिता सुशांत के जाने के बाद टूट से गई हैं और अपने आप को संभाल नहीं पा रही हैं, उन्होंने किस कारण सुशांत से इतनी दूरी बना ली थी? अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में क्यों सुशांत अंकिता को बार बार याद कर रहे थे? ये सब जानने के लिए आपको इन दोनों की लव स्टोरी को शुरू से लेकर ब्रेकअप तक समझना होगा। मराठी मुगली अंकिता लोखंडे और बिहार के शहर से मिले नौजवान सुशांत राजपूत की लव स्टोरी फेमस सीरियल पवित्र रिश्ता के सेट पर शुरू हुई थी। कहा जाता है कि शुरुआती दिनों में इनके बीच काफी तकरार होती थी, पर कब ये तकरार दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई ये किसी को पता ही नहीं चला। फिर एक डांस रियलिटी शो में सुशांत ने सबके सामने अंकिता को प्रपोज किया तो इनका रिश्ता और गहरा होता चला गया। तब सबको लगा कि ये दोनों जल्दी ही शादी के बंधन में बन जाएंगे, लेकिन सुशांत को तो सूरज की तरह चमकना था। वो सीरियल पवित्र रिश्ता छोड़कर एक्टिंग सीखने के लिए अमेरिका चले गए। वहां से आने के बाद 2013 में उन्होंने फिल्म काइपोचे साइन की, जो काफी हिट रही। सुशांत ने कड़ी मेहनत और लगन से सफलता का स्वाद तो चखा, परंतु वो रहे डाउन टू अर्थ और अपनी सक्सेस को अंकिता के साथ सेलिब्रेट किया। अंकिता भी उनका पूरा ध्यान रखती थी व उनकी पसंद नापसंद का पूरा ख्याल रखती थी। इसके बाद सुशांत को बड़े बैनर की फिल्में मिलने लग गई। उनके फीमेल फैंस में लगातार इजाफा हो रहा था तो अंकिता उनके बारे में पॉजिटिव होती जा रही थी। इनके रिश्ते में खटास आने लग गई थी। शायद सुशांत को स्टार लाइफ और अंकिता के बीच तालमेल बिठाने में प्रॉब्लम आने लग गई थी। और फिर जब सुशांत की बर्थडे पार्टी में अंकिता नजर नहीं आई तो इनके ब्रेकअप की खबरें पूरी तरह से सुर्खियों में आ गई। ये दोनों अलग अलग तो हो गए, परंतु इनके दिल एक दूसरे के लिए धड़कते थे और वे एक दूसरे को भुला नहीं पाए। तभी तो अपने अंतिम दिनों में सुशांत ने अंकिता को याद करते हुए डायरी में लिखा कि अगर तुम होती तो स्थिति कुछ और होती और तुम्हें छोड़ना मेरी गलती थी। जो सुशांत हमेशा अंकिता का हाथ पकड़कर हर फंक्शन में जाते थे, काश वो उनका हाथ ना छोड़ते तो शायद जिंदगी भी उनका साथ ना छोड़ती और वो आज हमारे बीच होते।